नमस्कार दोस्तों, हैं आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम नया रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी में बनाएंगे कोकरा। कोकरा खोजने के लिए हम चौर में आ गए हैं। दाहर के पानी से बहुत कोकरा उकरा चौर में आ गया है, तो पानी सूखा है, तो पानी सूखने के बाद कोकरा मिलेगा, तो हम चौर में खोजते हैं कोकरा कहाँ मिलेगा, तो हम पकड़ लेंगे। यहाँ हंसुआ ले लिए हैं, यहाँ सड़ा के पकड़ेंगे, क्योंकि कोकरा के दांत मुंह होता है, हाथ धवाल कर देगा। कोकरा खोजना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एगो कोकरा तो मिल गया है या बिल में ढूक गया है, तो इसको हम सही से पकड़ेंगे, न तो कोकरा बहुत जबरदस्त होता है, इसीलिए तो हम हंसुआ लेकर के आए हैं। एगो कोकरा मिल गया है तो इसको हम पहले बाल्टी में रखते हैं। फिर हम देखते हैं। दोस्तों, एगो बिल में और कोकरा मिला है, इसको हम ढक्कन लगा करके रखते हैं, ना तो कोकरा भाग जाएगा। दोस्तों, इसको ये दांत होता है, दांत से हंसुआ पकड़ लिया है, इसको बचा करके पकड़ेंगे, न तो हमको हाथ के काट लेगा। इसको ढक्कन लगा देते हैं, किधर मिलेगा उसे खोजते हैं हम। एगो कोकरा और मिल गया है। कोकरा बहुत कस करके माटी धैले रहता है। अभी इसको ढक्कन लगा देते हैं, थोड़ा दूर और घूमना पड़ेगा, अभी कोकरा नहीं बहुते मिला है। दोस्तों, ये कोकरा में कोकरा लड़ रहा है, क्योंकि एक के जगह दो गो तीन गो है, तो एगो भाग चलता है और दो गो लड़ता है। इसको हमको पकड़ना है, कैसे पकड़ाएगा से पहले एगो के पकड़ लेते हैं। एगो और भागते जा रहा है। ये थोड़ा दूर और घूमते हैं तो बाल्टी भर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एगो बड़ा बिल है, इसमें भी देखते हैं, इसमें भी कोकरा होगा। दोस्तों, इसमें भी कोकरा मिल गया है। पहले ढक्कन हटा लेते हैं, मतलब हमको हाथ काट देगा कोकरा। और है कोकरा इसमें, और हम निकाल लेते हैं। माटी पकड़ा हुआ है, निकल नहीं रहा है, निकल गया, इसको हम पकड़ते हैं। दोस्तों, आधा बाल्टी कोकरा हो गया है थोड़ा। दोस्तों, बहुत हम कोकरा पकड़ लिए हैं, बाल्टी भर गया है, अब घर चलते हैं कोकरा लेकर के। इसको ढक्कन हम लगा देते हैं, न तो कोकरा भाग जाएगा। दोस्तों, चौर से हम कोकरा बीच करके ले आए हैं, किचन में पहुंच गए हैं, तो बाल्टी नीचे रखते हैं, ढक्कन खोलते हैं, इसको कोकरा के हमको अब टगरा में पहले उझल लेते हैं, तब बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये थाली में हम कोकरा के बना करके धरेंगे। कोकरा तो बहुत जबरदस्त है, डर भी लगता है कहीं हाथ में काट न लेगा। दोस्तों, कोकरा तो भाग रहा है, इसको हमको बढ़िया से तोड़ना होगा, और डर भी लगता है कहीं हाथ में काट लेगा तो हाथ भी घबराल कर देगा।
तो कोकरा के टांग हम तोड़ लिए हैं, तो इसको पहले पानी से बढ़िया से साफ कर के हम धो लेते हैं। तो कोकरा मान में रहता है, बहुत माटी खाता है, हम बढ़िया से साफ करके धो लेते हैं पानी से। सारा को धो लिए हैं कोकरा, थाली में रखते हैं। दोस्तों कोकरा में बहुत मिट्टी रहता है, हम दो तीन पानी से और धो लेंगे, साफ हो जाएगा। सब पानी में साफ हो जाएगा, धो लेंगे तो। दोस्तों इसको फिर हम पानी से साफ करेंगे। दोस्तों गांव में कोकरा लोग को ज्यादा पसंद पड़ता है, कोकरा के रेसिपी लोगों को ज्यादा पसंद आता है गांव वाले को। एक पानी से और धो लेते हैं, अब साफ पानी निकले लगा है, अब कोकरा साफ हो गया है। पूरे धो आ गया है। दोस्तों कोकरा धो करके हम फ्रेश कर लिए हैं, तो इसको जो होता है अंदर वाला गुद्दा हम निकाल लेंगे, खपरोइया के हम साइड कर देंगे, खपरोइया लोग नहीं खाता है। ये गुद्दा निकाल लिए हैं दोस्तों, फिर से हम इसको अंदर में से गुद्दा निकाल लेंगे। इस तरह से हम गुद्दा के निकाल लेंगे। बनाएंगे लौकी के साथ बनाएंगे, तब कोकरा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलते हैं ताजा, आज हम लौकी काटने खेतों से। कोकरा के हम चूल्हा के नजदीक रख देते हैं, ये चाकू ले लेते हैं, चाकू से हम लौकी काट करके खेतों से लाते हैं। दोस्तों खेतों में आ गए हैं लौकी के पास, तो हम एगो लौकी बड़ा वाला मिल गया है, तो इसको हम काट लेते हैं। लौकी काट लिए है, चलते हैं किचन के तरफ। दोस्तों लौकी लेकर के हम किचन में पहुंच गए हैं। दोस्तों खेतों से ताजे ताजे हम लौकी काट करके ले आए हैं, लौकी के हम कोकरा के साथ मिक्स करके बनाएंगे। लौकी धरने से कोकरा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो चलिए हम लौकी काटना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तला में तनके लौकी के जरूरत है, तो जो ज्यादा लौकी बचा है उसको हम साइड कर देते हैं। लौकी जो बच गया है दूसरे दिन हम रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। कोकरा में हम तनके लौकी धरेंगे, इसको हम छिलका छील लेते हैं। कोकरा में ज्यादा लौकी धरने का जरूरत नहीं है, थोड़ा लौकी के जरूरी है। लौकी के छिलका हम छील लिए हैं, तो इसको पानी से धोएंगे। तो पहले हम पानी से धो लेते हैं, इसको इस जगह रखते हैं। तो लौकी हम कढ़ाई में डाल करके धोएंगे। लौकी बढ़िया साफ कर करके फ्रेश कर लौकी हम पानी से साफ कर लिए हैं। तो पानी से धो लिए हैं, तो लौकी हम काटना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लौकी के मोटा नहीं काटना है, इसको एकदम पतला काटना है, जो कोकरा में
मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से सभी लौकी हम मेही ककर के काट लिए हैं, लौकी काट लिए हैं, चूल्हा के नजदीक रखते हैं। दोस्तों लौकी और काट करके हम तैयारी कर लिए हैं तो चूल्हा धरा लेते हैं, चूल्हा जोड़ लिए हैं तो कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, सरसों तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया है, हम कोकरा डालते हैं फ्राई के लिए। तो कोकरा फ्राई हो गया है, मसाला डालते हैं। मसाला भूजा हुआ है, तैयारी है मसाला, इसको धा करके हम मिक्स कर देते हैं कोकरा में। दोस्तों कोकरा मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें हम लौकी डालते हैं। इसको ढक्कन से ढक देते हैं। दोस्तों कोकरा के रेसिपी बना करके हम तैयारी कर लिए हैं। स्वाद के लिए इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। धनिया पत्ता डालने से कोकरा में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों कोकरा बना करके हम तैयारी कर लिए हैं, कढ़ाई के हम नीचे रखते हैं। तो पहले से चावल बनाए हुए हैं, अभी सारा कोकरा बना करके एक कढ़ाई हम तैयार किए हुए हैं। आके स्वाद हम खा करके देखते हैं कोकरा के स्वाद कैसा बना है। सो पत्ते पर खाएंगे, पत्ते बिछा लेते हैं, चावल परोस लेते हैं। चावल परोस लिए हैं तो कोकरा परोसते हैं। दोस्तों चावल कोकरा हम परोस लिए हैं, खा करके देखते हैं स्वाद कैसा कोकरा के बना है। तो चावल कोकरा खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन घंटी के आप ऑन कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले नए रेसिपी के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।